सर्वोच्च न्यायालय के स्थानिक स्वराज्य संस्था में ओबीसी आरक्षण रद्द के निर्णय के बाद अब आगामी होने वाले सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव रद्द करने की मांग उठ रही है। पहले मंत्री विजय वडेट्टीवार और अब नागपुर मनपा के आम सभा में भी ये प्रस्ताव पारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब से स्थानीक स्वराज्य संस्था में से ओबीसी आरक्षण हटाने का निर्णय लिया है, तब से स्थानीक स्वराज्य संस्था की राजनीति में भूकंप आया है। अब तो ऐसी मांग की जा रही है कि जब तक ओबीसी आरक्षण मामले का कोई निर्णय नहीं होता, तब तक कोई भी स्थानीक स्वराज्य संस्था के चुनाव नहीं लिए जाए। पहले राज्य के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। अब आगामी नागपुर महानगर पालिका चुनाव को देख मनपा के सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष एकमत होकर राज्य के सभी स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव रद्द करना चाहिए। मंगलवार को हुए आम सभा में ये प्रस्ताव मंजूर किए जाने की जानकारी सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय स्वराज्य संस्था मधल ओबीसी प्रवर्ग जे आरक्षण है ते इम्पेरिकल डाटा अवेलेबल नसल्यामुळे स्थगित केलेला आहे। ही केस ज्यावेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक वेळा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला इम्पेरिकल डाटा तयार करून सर्वोच्च न्यायाकडे न्यायापुढे तो ठेवावा अशा प्रकारचे वारंवार आदेश देऊनसुद्धा राज्य सरकारकडनं याच्यावर कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया झाली नाही आणि त्यामुळे एक्सटेन्सिव आरक्षण जे होतं एक्सटेंडेड आरक्षण होतं त्याकरता दाखल करण्यात आलेली ही याचिका त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण आरक्षण जे आहे ओबीसीचं स्थानिक स्वराज्य संस्थातलं ते स्थगित केलेलं आहे। त्याचा परिणाम म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये ज्या काही 75% स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्यामध्ये महानगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्यामध्ये ज्या काही निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत त्यातील 58,000 ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांवर ओबीसी प्रवर्गाचे उमेदवार लढू शकणार नाही आणि त्याच्यामुळे आज नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ठराव करण्यात आलेला आहे की जोपर्यंत हे जे ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोपर्यंत या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुदतवाढ संविधानानुसार देण्यात यावी आणि जोपर्यंत हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुका लावण्यात येऊ नये अशा प्रकारचा आज ठराव नागपूर महानगरपालिकेने पारित केलेला आहे। या ठरावामध्ये सूचक म्हणून मी स्वतः अविनाश ठाकरे सत्ता पक्ष नेता अनुमोदक म्हणून स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश पर आणि दुसरे अनुमोदक म्हणून माननीय विजय झलके माजी स्थायी समिती अध्यक्ष या तिघांच्या सहमतीने या तिघांच्या हस्ताक्षरासह हा ठराव जो आहे महानगरपालिकेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आणि सभागृहाने त्यांना एकमताने मान्यता दिली। आगामी कुछ महीनों में नागपुर महानगरपालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे फैसले से सभी लोक प्रतिनिधि की नींद उड़ गई है। पहले ही राज्य सत्ता परिवर्तन, उसके बाद कोरोना और अब ये फैसला, इससे यही लगता है कि मनपा का आगामी चुनाव दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।